उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन हो या रात किसी भी समय वारदात को अंजाम देने में नहीं चूक रहे। ऐसा ही एक मामला आज फिर सामने आया, जहां कुछ बदमाशों के द्वारा पेट्रोल पंप में मारपीट करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। अगर बात करें पुलिस की कार्यशैली की, तो जनपद में क्राइम ग्राफ को रोकने के लिए कई प्रकार की टीमों का गठन भी किया गया है, लेकिन असलियत यह है कि उसके बाद भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ पे साइट संचालक हैं पेट्रोल पंप के, क्या मामला हुआ, क्या वारदात हुई? सुबह आए हैं दो लोग, पहले कितने बजे? पहले 6:30 बजे के आसपास आए हैं, तो लड़के ने कहा कि आप मास्क बांध दीजिए, मास्क तो मान लिया, साथी को भी बांध दीजिए। वो उसको प्रतिष्ठा का विषय मानते हुए गाली देते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए हैं। और वहाँ जाने के बाद में 10 मिनट के बाद फिर 7-8 लोग, 3 लोग वो थे, 5 लोग और लेकर के आए हैं, 7-8 लोग लेके आए हैं, लात घूंसे डंडों से पिटाई करते हुए किया है। और मना करने के बाद उसकी जेब से 4500 रुपये उसकी जेब में थे, उसके कपड़े फाड़ डाले, पैसा भी ले गए, साथ में कट्टा लिए थे, चाकू डंडे ये सब बिल्कुल लाए थे, जान से मारने की धमकी देते हुए लोग चले गए हैं। जब यहाँ पे आसपास कैश काउंटर पर उपयोग में कितना गया? 4500 रुपया। कहाँ से गए? तो सेल्समैन की जेब में ही था, ले गए। हाँ, वो ले गए। सूचना दी आपने? जी, सूचना दिया कोतवाली को। मौके पर पुलिस आई? हाँ, पुलिस मौके पर आई, पुलिस उनके पास भी गई है। आज प्रातःकाल लगभग 6:30 बजे नरेनी के चंदेल पेट्रोल पंप पर कुछ लोग तेल भरवाने आए थे। वहाँ फिलर जो था अभय यादव, उससे उनका झगड़ा हुआ। उसने कहा कि तुम मास्क नहीं लगाए हो, इसलिए पेट्रोल तुम्हें नहीं देंगे। इस पर उन लोगों ने वहाँ पर झगड़ा किया और उन तीनों लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, जिसमें 4500 रुपये छीनने की भी बात प्रकाश में आई है। और पुलिस इस संबंध में पूरी घटना की तहकीकात कर रही है और शीघ्र ही इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।